हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिक राज आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे पोस्ट होता है तो बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ मिलेगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में। जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारा पोस्ट है, उसके मैं बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में www.secr.indiarailway.gov.in डालना होगा। इसके बाद इसका ये वेबसाइट खुलेगा और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ दिखेगा आपका, जैसे अबाउट पैसेंजर सर्विस, रिक्रूटमेंट, टेंडर, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें आपको सीधे नीचे जाना है, यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये आपको जहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, ये इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन SECR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसके बाद ये खुल गया पेज। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्ट अप्रेंटिसशिप 2018-19 इन रायपुर डिवीज़न, और नीचे एक्ट अप्रेंटिसशिप 2018-19 इन बिलासपुर डिवीज़न, फिलअप ऑफ एडिशनल डाटा। तो ये इसको ओपन करना है, किसको, ऊपर वाले को। तो ये ओपन हो रहा है और देखिए यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे और नोटिफिकेशन डेट दिखा रहा है 6/18, ये सब दिख रहा है आपको। और यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन, देखिए हिंदी नोटिफिकेशन, इंग्लिश नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो चलिए आज मैं हिंदी वाला ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये यहीं से आपको लॉगिन करना है यहाँ पे और यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर पहले से लॉगिन है तो लॉगिन कर दीजिएगा, नहीं तो न्यू है तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके आपको अप्लाई करना है। पर नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला डाउनलोड करते हैं। चलिए इसको डाउनलोड कर रहे हैं, इस तरीके से ये डाउनलोड हो गया और ये खुल चुका है। तो चलिए इसको हम अच्छे से आपको बताते हैं सारी चीज़ें जो इसमें दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो आया है ये 16/8/2018 का है, 16 अगस्त को ही जारी किया गया था। और इसमें जो विषय है वर्ष 2018-19 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में वेगन रिपेयर शॉप, समझ रहे हैं आप, रायपुर में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन करेगा, इंगेजमेंट करेगा। और इसका वेबसाइट है आपको बता दिया हूँ, www.accr.indianrailway.gov.in वेबसाइट पे दिनांक 18 अगस्त से लेके 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और इस डेट को आपको याद रखना है कि 18 अगस्त से शुरू है और 9 सितंबर तक चलेगा, इसके बीच में आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें अगर सीट की बात करें तो वेल्डर का है, टर्नर है, कारपेंटर है, फिटर इलेक्ट्रीशियन है, अनुलिपिक एवं सचिवालय सहायक, हिंदी इंग्लिश दोनों है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड असिस्टेंट प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पेंटर का भी है, कार्यालय सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सारा पोस्ट इसमें है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 255 टोटल पोस्ट है। और नेक्स्ट है ये है वेगन शॉप रिपेयर रायपुर के लिए है, तो फिटर है इसमें भी, वेल्डर है, मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक मोटर गाड़ी का है, टर्नर है। इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 158 पोस्ट है इसमें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता आपको अभ्यर्थियों को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। और जो ट्रेड है संबंधित ITI ट्रेड से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आप जब ITI पास किए तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे किसी का पेंडिंग में रिजल्ट है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। और अभ्यर्थी को दिनांक 16/8/2018 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम
24 साल से ज़्यादा आपका एज है तो आप नहीं भर सकते हैं। और ये एज की काउंटिंग 16 अगस्त तक की जाएगी। इसमें छूट मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष है, 3 वर्ष दिव्यांग के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए मुताबिक 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने से पढ़ लीजिएगा और समझ कर इसको भरना है। इसमें देखिए लिखा एक चीज़ और है कि चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षित के रूप में इंगेज किए जाएंगे, उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है, सूची बने निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। दूसरा, मैट्रिक न्यूनतम 50% अर्हता आवश्यक है। मैट्रिक में आपका 50% कंपलसरी, अगर नहीं तो आप नहीं भर पाएंगे। ITI में जो प्राप्त अंक है उसका प्रतिशत को समान वरीयता देते हुए सूची तैयार की जाएगी। चिकित्सक परीक्षण भी होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। और इस सारी चीज़ें के बाद आपको चिकित्सा शुल्क के रूप में भर्ती को 24 रुपये का भुगतान करना होगा। 24 रुपये आप मेडिकल टेस्ट के लिए आपको वहाँ पर देना होगा। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही भरा जाएगा, जिसका वेबसाइट है www.accr.indiarailway.gov.in। इस पे और दूसरा है, यदि अभ्यर्थी SC/ST समुदाय से हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी हाल ही के जाति प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा आपको। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड करना होगा आपको, तभी आपकी आरक्षण मिलेगा। किसी भी प्रकार का पैरवी या दबाव में डालने अभ्यर्थियों का आयोग घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन को प्रशिक्षु के रूप में जीवानी करने से पहले आने जाने पर किसी प्रकार की DA नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ एवं स्कैन हस्ताक्षर सहित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता संबंधित आवश्यक दस्तावेज ही सॉफ्ट स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार की विसंगति देखी जाती है तो उन्हें उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। ये सारा टर्म एंड कंडीशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और कोई सहायता के लिए, तकनीकी सहायता है तो इस आप कार्यालय के दूरभाष नंबर, मोबाइल टेलीफोन नंबर 07554912522 पर कॉल कर सकते हैं, या शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 9752877639 पर संपर्क कर सकते हैं। ये सेवा प्रातः 10 बजे से लेकर रात के 8-18 बजे तक आप जारी रहेगी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और इसमें जो अगर हिंदी में कोई वर्ड गलत है तो इसका अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा, ये लिखा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलेंगे एक नए जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।